हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.in। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट यूपी स्कॉलरशिप अपडेट के बारे में, जो कि एक बढ़िया खुशखबरी देने वाले हैं आप सभी के। यहाँ पर जितने भी लोगों की स्कॉलरशिप फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं आई थी, वो अभी थर्ड राउंड में आने वाली है। अगर आपके बैंक अकाउंट्स में कोई भी इस तरीके की जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं अगर है, तो उसको आप हाल ही चेक करवा लीजिए, अदरवाइज़ आपकी जो स्कॉलरशिप है वो अटक सकती है। ठीक है, बात करेंगे पूरे ही नोटिफिकेशन के बारे में, तो इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सारी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन हिट करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लें, सारे वीडियोज ऐसे ही मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। 26 लाख विद्यार्थियों के खाते में जल्द भेजी जाएगी छात्रवृत्ति। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थर्ड राउंड डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि आपकी 25 मार्च से पता चल रही है कि दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर चालू होगा। लिखा है प्रदेश में 26 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत भुगतान की तैयारी पूरी कर ली गई है। इनके खातों में रकम भेजने के लिए संबंधित डाटा की जाँच लगभग पूरी हो चुकी है। जो आपको पता था कि आपके जितने भी जो स्टेटस यहाँ पर वेरीफाई होने थे 10 मार्च तक, वो आपकी स्टेटस यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है कि किसको यहाँ पर स्कॉलरशिप देनी है और किसको नहीं देनी है। प्रदेश सरकार 2.5 लाख रुपए तक आय वाले SC/ST परिवारों और 2 लाख रुपए तक आय वाले अन्य वर्गों के परिवारों के विद्यार्थियों को उक्त योजना का लाभ देते हैं। इस बार कोरोना संकट को देखते हुए भुगतान के 3 चरण चलाए गए थे। तीसरे व अंतिम चरण जो आपकी चल रहा है, जिसके थ्रू आपके पैसे आएंगे, उसके तहत भुगतान के लिए आवश्यक कार्यवाही बिल्कुल यहाँ पर की जा रही है। 25 मार्च तक आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा, मार्च की ही मंथ में आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद किसी की भी कोई स्कॉलरशिप यहाँ पर नहीं आएगी। समाज कल्याण विभाग का कहना है कि पहले 2 चरणों में करीब 25 लाख विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिया जा चुका है, तीसरे चरण में 26 लाख विद्यार्थियों को और भुगतान होगा। इसका डाटा पोर्टल पर मिल चुका है, जांच की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। थोड़ी बहुत जो डाटा यहाँ पर रह गया उसकी भी जांच बात रहेगी। जो मेन मुद्दा है आपका बैंक अकाउंट से रिलेटेड, इसके बाद उनके खातों में राशि भेजी जाएगी। सभी विद्यार्थियों से अपील है कि वे ज़रूर चेक कर लें कि जो उन्होंने खाते यहाँ पर लगाए थे अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, उनके खाते चालू हालत में होने चाहिए। ऐसा ना होने पर पेमेंट अटक जाती है। जो भी आपने जब स्कॉलरशिप भरते टाइम जो आपने अकाउंट अपना वहाँ पर रजिस्टर करवाया लिखा है कि जिसमें आपको स्कॉलरशिप चाहिए है, उसको चेक कर लीजिए कि आधार कार्ड से वो प्रॉपरली लिंक हो और वो आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो प्रॉपरली। ठीक है, अगर डीएक्टिवेट है या कुछ समस्या चल रही है तो एक बार आपकी जो स्कॉलरशिप की राशि है वो फंस सकती है। आप सभी अपने सारे बैंक अकाउंट्स को चेक करवा लीजिए। ठीक है, तो ये जो सारी न्यूज़ है ये आपको हमारे चैनल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं, तो नीचे उसका लिंक है, आप जाइए और हाल ही वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। सारी ही लेटेस्ट BLED न्यूज़ और आपकी स्कॉलरशिप न्यूज़ एंड तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम समस्त BLED न्यूज़, स्कॉलरशिप न्यूज़ और जितनी भी न्यूज़ हैं वो आपको शेयर कर देते हैं। जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करें और मिलते हैं हमारे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट बडीज़ एंड बाय बाय।